अगर आपका ट्रांसपोर्ट का काम है या कहीं किसी आप अपने कोरियर्स वगैरह को पार्टनर को ट्रेस करना चाहते हैं, ट्रैक करना चाहते हैं या कुछ भी मंगाना चाहते हैं कहीं से भी, तो आप सबसे पहले दिक्कत क्या होती है कि वहाँ से आपको सामान वगैरह लेने के बाद, मान लीजिए मुझे दिल्ली से गोवा के लिए कोई सामान लाना है, और दिल्ली में क्या करना है कि मुझे जिस पिन कोड से गोवा के जिस पिन कोड पर कोई भी सामान भेजना है, वहाँ पर होता क्या है कि बहुत सारे जब हम शिपमेंट्स गवर्नमेंट के शिपमेंट को तय करते हैं जो कि कुरियर पार्टनर होते हैं जैसे पार्सल वगैरह करते हैं, तो बहुत सारी फीसें ज़्यादा लगती हैं। तो उसमें सबसे कम पैसे में आप कैसे भेज पाएंगे, इसके लिए आपको सबसे पहले सब कुछ चेक करने के लिए कि आपको प्राइवेट अच्छा पड़ेगा कि सरकारी अच्छा पड़ेगा भेजने पे, तो इसके लिए आपको शिप रॉकेट का एक एप्लीकेशन है, उसके माध्यम से आप बड़े ही आसानी से देख पाएंगे। इसको आने के बाद यहाँ से आप साइन अप कर लीजिएगा, उसके बाद में यहाँ पे आप देखिए कि क्रिएट न्यू शिपिंग के एड्रेस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में डिलीवरी का पिन कोड मांगेगा और जो भेज रहे हैं उसकी वेट कितनी है, मान लीजिए 500 kg है तो 500 kg यहाँ पे डालेंगे, उसका डायमेंशन लेंथ ब्रॉड चौड़ाई हाइट ये सब तीनों आपको सेंटीमीटर में मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पर प्रीपेड करना चाहते हैं या COD करना चाहते हैं, COD का मतलब कैश ऑन डिलीवरी, तो यहाँ पे अगर आपका जो सामान पहुँच रहा है उसके बाद में डिलीवरी करना चाहते हैं तो यहाँ पे COD कर सकते हैं। उसके बाद में प्रोडक्ट डिटेल के बारे में आपको यहाँ पे भी जानकारी देनी पड़ेगी, जैसे एज यूनिट टाइप या प्रोडक्ट क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आपको लेनी है और प्रोडक्ट का नाम क्या है यहाँ पर मैंसन करना पड़ेगा। उसके बाद में फाइंड कुरियर पार्टनर, जैसे फाइंड कुरियर पार्टनर पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारे कुरियर पार्टनर आ जाएंगे, और उसके बाद में आप वहाँ से चेक कर पाएंगे कि आपको सबसे सस्ता जो कुरियर पड़ेगा वो कौन सा पड़ेगा। तो है ना काम की चीज़, तो जल्दी से जल्दी ऐसी वीडियोज़ के लिए मुझे फॉलो करें और लाइक तो जरूर से करें।